नेट पर सर्च करो आप, हुई पप्पू राहुल गांधी आएगा पहले सबसे आगे। देश का नाम ऊंचा किया है, यूक्रेन में गए थे तो तिरंगा लेकर के लोग वहाँ से निकल करके आ गए। ये सब मोदी जी की देन है, इससे पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, मोदी से पहले और मोदी के बाद भी नहीं होगा कोई नेता। उनके अपने बच्चे उन स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ते जिनकी वो गारंटी लेते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। दिल्ली के टीचर्स को वो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं। बेटर होता ना कि फिनलैंड के टीचर्स यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेते, अगर ये बहुत अच्छे स्कूल्स इन्होंने बनाए हैं तो। वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी, कोई जितना भी अपोजिशन है उनको 2029 की तैयारी करनी है, 2024 के लिए नहीं। 2024 में सर्टेन है दैट मोदी विल कम अगेन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धारा 370 तो हटा दी लेकिन कश्मीरियों की भावनाओं से अभी तक नहीं। क्या होता है उसके बोलने से, क्या होता है? पप्पू है वो तो मैम, पप्पू है वो तो, पप्पू है वो, यही बोलेंगे। कमियां नजर आती, नेट पर सर्च करो आप, हुई पप्पू राहुल गांधी आएगा पहले सबसे आगे। राहुल गांधी में कमियां क्या? बहुत कमियां मैम, बहुत लंबी लिस्ट है। बीजेपी में क्या कुछ अच्छा लगता है? नहीं, बीजेपी अच्छी लगती, बस मोदी ने जो काम करे वो अच्छे है। मोदी अच्छी बात नहीं करी मैम मैंने, मोदी की बात करी है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनते हैं तो किसे बनना चाहिए? फिलहाल तो कोई नहीं है इस टाइम, पक्ष कह रही है कि एकजुट होकर मोदी को इस बार सत्ता से हटाएंगे और भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। मतलब नहीं है मैम, हट जाए। कह रहे बिहार की तरह इस बार भी गठबंधन होगा, वो बिहार पहले 20 साल पीछे आवे। सर आपके अनुसार 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी जो काम करें दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। वो क्या काम कर रहे हैं? सारे देश को उन्होंने एकत्रित किया, सारा देश एक किया है, विदेशों में देश का नाम ऊंचा किया है। यूक्रेन में गए थे तो तिरंगा लेकर के लोग वहाँ से निकल करके आ गए। ये सब मोदी जी की देन है, इससे पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, मोदी से पहले और मोदी के बाद भी नहीं होगा कोई नेता। विपक्ष कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही की शासन कर रहे हैं, भाजपा जो है जब से आई है तब से गुंडागर्दी फैला रही है। अब राहुल गांधी जी तो एक अपनी जगह है, राहुल गांधी जी को सारा देश क्या कहता है आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी अपने घर में अच्छे हैं लेकिन जनता के प्रति नहीं है लोकप्रिय। कुछ बयान है जो आजकल सुर्खियों में है, सबसे ज्यादा वो जो है भाजपा पर तंज कसते नजर आते हैं कि भाजपा ने देश बेच दिया, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अडानी के भाई हैं मोदी जी। सब एक दूसरे के भाई हैं। हाँ। ये देश प्रेम चारे से चलता है। हाँ। भाईचारे से चलता है। हाँ। राहुल गांधी भी भाई हैं। हाँ। मोदी जी के भी भाई हैं। हाँ। अडानी जी भी भाई हैं, सारे भाई हैं। ये नारा दिया जा रहा है कि देश बेच रहे हैं और मलाई खा रहे हैं दोनों भाई। नहीं नहीं, कोई मलाई नहीं खा रहा उसके, तो वो तो सन्यासी आदमी है, उस मलाई क्या खाएगा। हाँ। संत आदमी है। हाँ। उसको तो मलाई जरूरत नहीं, अपना झोला लेके चलता है, हमेशा तैयार रहता है। आपने कहा कि मोदी जी ने भारत को एक राष्ट्र बना दिया है, सब लोग एक हो गए हैं। हाँ। लेकिन आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। ये एक कहावत आती है रामायण में, निंदक लेड़े राखियो जो चाहत उजियार। यदि हम दुश्मन पास नहीं रखेंगे तो हमारी उज्ज्वलता नहीं होगी और भविष्य जो है ना अच्छा नहीं आएगा। हाँ। इसलिए कटाक्ष वाले विरोधी हमें साथ रखने बहुत जरूरी हैं। हाँ। अच्छा, धर्म की राजनीति के आरोप जहां बीजेपी पर लगाए जाते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी अब रामचरितमानस पर, ऐसे तमाम ग्रंथों पर अपने बयान कर रहे हैं, क्या सुने आपने ये बयान? ये सब मूर्खतापूर्ण है। हाँ। ये जो बयान कर रहे हैं विपक्ष के नेता, ये सब मूर्खतापूर्ण है, जबकि राम पर कोई विरोधाभास ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था अभी 4 दिन पहले कि हम हिंदू से ही निकले हैं। हाँ। हम 500 साल पहले, 450 साल पहले। हाँ। हम भी हिंदू ही थे। हाँ। तो मुसलमान तो अभी पैदा हुए हैं 1200 साल पहले, उससे पहले तो कोई था ही नहीं, मुसलमान ईसाई थे। हाँ। और सनातन धर्म हमारा लाखों वर्ष पुराना है। हाँ। तो क्या बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले शुरू से ही रहा है। हाँ। लेकिन ये तो सामाजिक अब न्याय व्यवस्था इस तरह की है कि जो है हिंदू राष्ट्र तो आज से नहीं है, विक्रमादित्य के ज़माने से रहा है ना जी। हमारा विक्रमी संवत 2079 चल रहा है। हाँ। जबकि उनका 2022-23 चल रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल भी जी अपने आप में अनूठे हैं। हाँ। इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब दुनिया को पता है। क्या पता है, कुछ बताइए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। नहीं, केजरीवाल जी कभी कहते हैं कि हमें अभी 4 दिन पहले उनका रिपोर्ट आया था। हाँ। कि मनीष सिसोदिया जी को अंदर करी है, ताकत है तो अब अंदर कर दिया, तो कहते अंदर क्यों कर दिया है ना। ये तो नौटंकी बाज आदमी है, नौटंकी करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर है कि मनीष सिसोदिया को जेल होनी चाहिए या बेल होनी चाहिए? जेल और बेल तो ये तो सरकार करेगी जी। हाँ। ये कोई इंसान के हाथ में थोड़ी है। हाँ। जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। कह रहे हैं कि बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया, अभिभावक जो है, जो जिनके बच्चे जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हैं वो नाराज हैं, उनकी बद्दुआ लगेगी। कोई नाराज नहीं है उनके। हाँ। उनके अपने बच्चे उन स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ते जिनकी वो गारंटी लेते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए।
दिल्ली के टीचर्स को वो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं। बेटर होता ना कि फिनलैंड के टीचर्स यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेते, अगर ये बहुत अच्छे स्कूल्स इन्होंने बनाए हैं तो। क्लासरूम के नाम पे बाथरूम तैयार करते हैं और उसको क्लासरूम बताते हैं। बने हुए स्कूल्स में इतना पैसा लगा दिया कि उस उतने पैसे में 500 और स्कूल बन सकते थे। एक नया स्कूल नहीं बना, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी पिछले 6 सालों में 7 सालों में। सब हवाबाजी है कि जो इस्तीफा दिया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का काम ना रुके इस वजह से इस्तीफा दिलवाया गया है। अब ये तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना फेस सेविंग के लिए। दिस इज जस्ट फेस सेविंग, नथिंग एल्स। कोर्ट विल टेक इट्स ओन एक्शन। 18 विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास थे। 33 मिनिस्ट्रीज, 1 पर्सन इज हैंडलिंग 18 डिपार्टमेंट्स। ये क्या तरीका, मतलब और कैपेबल लोग नहीं है आम आदमी पार्टी में? केजरीवाल खुद सीएम है, एक डिपार्टमेंट नहीं उसने रखा हुआ। क्यों? क्योंकि सारे घोटाले दूसरों के नाम पे होंगे। ठीक रहा, दूसरों के नाम पे फोड़ देगा। हेल्थ में घोटाले हुए तो सत्येंद्र जैन जाएगा, शिक्षा में हुआ है तो शराब में हुआ है, शिक्षा में भी आएगा सामने, ये सारे आएंगे, सारे घोटाले बाज है। भाजपा कह रही है कि 2 तो जेल जा चुके हैं, अब केजरीवाल जी का नंबर भी जल्दी लगेगा। टोटल 6 मिनिस्टर हैं, 1/3 मिनिस्टर कैबिनेट जेल में है। इनकी नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है वो जेल में ही होनी है क्योंकि सीएम भी जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो अच्छे शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को शराब का जो है विभाग दे दिया। वही बात है ना, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से आप फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आपको केमिस्ट्री का देगा। घुमा फिरा के बोलेंगे भाई शराब मंत्री है उसको शराब मंत्री बोलो, शिक्षा मंत्री तो तब बात होगी ना जब शिक्षा पे कोई बात होगी। तो अभी तो शराब 18 विभाग जो है वो सिसोदिया के पास थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में इस पूरे राजनीतिक घमासान का असर पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जीरो फर्क पड़ेगा। दे डज नॉट स्टैंड एनीवेयर। सब आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली में नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से जो इनको पंजाब मिला है ना वो पंजाब में भी 356 लगा देना चाहिए। जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे सिचुएशन है, बॉर्डर स्टेट है, सबसे पहला काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन गई है जब से गुजरात इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। देखिए, आप 300 सीट पर लड़ते हैं उसमें आपको 20 सीटें मिल जाती हैं। ऐसे 5 स्टेट में आपकी अगर प्रेजेंस हो गई है तो डजंट मीन कि आप आम आदमी पार्टी हैं। अच्छे लोग भी होंगे, इसमें सीटें मिलती होंगी, लेकिन ग्रेजुअली टाइम बताएगा कि ये पार्टी कहाँ तक जाती है। 2024 में किसे पीएम बनाएंगे? 1 एंड ओनली नरेंद्र मोदी। कोई जितना भी अपोजिशन है उनको 2029 की तैयारी करनी है, 2024 के लिए नहीं। 2024 में सर्टेन है दैट मोदी विल कम अगेन। सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन पसंद? हाँ, वैसे तो अभी बीजेपी का ही है। हाँ। क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, डेवलपमेंट किया है, मंदिर वगैरह बनाए हैं और भी काम बहुत किए हैं, रेलवे लाइन हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन गए हैं, तो उनके हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बाकी आरोप भी लग रहे हैं कि विपक्ष कह रही है कि देश बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, SBI जो बैंक है उनको बेच रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें उनको बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। हाँ। मैंने सुना। हाँ। मेरे ख्याल से तो नहीं, ऐसा कोई बेच कैसे सकता है। हाँ। ये तो सबके सामने क्लियर है। हाँ। ये तो रिपोर्ट मांग सकते हैं, उसमें जो क्लियरली मांगते हैं, जो भी मांगे रिपोर्ट मिल जाती है। अडानी के भाई हैं मोदी, तो इस वजह से देश बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, ये तो ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है। मोदी को क्यों पसंद कर रहे हो? क्या अच्छा नजर आ रही है? कि सारे डेवलपमेंट काम इतने अच्छे किए हैं। हाँ, इस वजह से डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। हाईवेज बन गए हैं, रेलवे का है, प्लस 370 धारा जो हो गई थी कश्मीर में। लेकिन राहुल गांधी जी अपने बयान में कहते हैं कि धारा 370 तो हट गई है, लेकिन कश्मीरियों की भावनाओं से अभी तक भाजपा नहीं जुड़ी है। झंडा उन्होंने भाजपाइयों के साथ फहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वहीं राहुल गांधी झंडा फहरा कर आए हैं, तो वहां के कश्मीरियों के साथ झंडा फहरा कर कोशिश सब करेंगे अपनी, पर यह है कि मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ है। 370 हो गई है तो उसके बाद ठीक ही हुआ है और अच्छा डेवलपमेंट होगा कश्मीर में और काम भी। वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कुछ खूबियां नजर आती हैं राहुल गांधी में और क्या कमियां नजर आती हैं? वो तो मैं अभी नहीं कुछ कह सकता। वो सब बताइए, आपकी अपनी राय है। किसी टाइम कोई अच्छा हो जाता है, कभी किस टाइम कोई अच्छा हो जाता है, तो इस टाइम जो देश का है ये बीजेपी वाले हैं। बीजेपी पर आरोप लगते नजर आते हैं। विपक्ष कहती है ऐसे तमाम मुद्दे जो सदन में बोलने नहीं दिया जाता, बीजेपी जो है वो तानाशाही का शासन कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं। बाकी पब्लिक की राय लीजिए और लीजिए। मेरे साथ तो बीजेपी ठीक है। आपके लिए सही है। हाँ। महंगाई नहीं हो रही है देश में? महंगाई तो अब सब पार्टियों की वजह से होती है, ये नहीं है, इनके वजह से नहीं हो रही और कोई।
फैक्टर्स कुछ और हैं, जैसे लड़ाई चल रही है यूक्रेन वार, उसके वजह से है, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, देश के महंगाई उससे हो सकती है, महंगाई को वजह नहीं मानते हैं। नहीं।